तो दोस्तों जिस रास्ते से मैं हर बार जाता था, यहाँ पे कुछ काम हुआ था तो इन्होंने मिट्टी ऐसी ही डाल दी और उसमें पानी रिस रहा था, पानी मर रहा था, तो मिट्टी यहाँ पे दलदल बन चुकी थी। मुझे पता नहीं था, बीच में स्लिप थी और जैसे ही मैंने गाड़ी यहाँ से उतारी, मेरी गाड़ी का टायर यहाँ फंस चुका है। टायर घूम रहा है उसमें। हाँ यहाँ पर बीच में गैप था तो एक बार को मैं जैक लगा के गाड़ी निकाल भी सकता था, लेकिन कुछ महाअनुभवियों की वजह से मेरी गाड़ी और ज़्यादा फंस गई। फिर ये एक हैवी ड्राइवर आते हैं जो कि सिचुएशन को और बद से बदतर करके निकल लेते हैं। वो डाल दो कुछ ले ले कुछ। इधर से लेंगे ना, ईंट लगा लेंगे अंकुल। जैक नहीं लगेगा, एक काम तो कर, अगर तेरे पास रस्सी हो तो गाड़ी को वहाँ पीछे से डाल के पीछे जो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज ये गाड़ी फंस गई है मेरी यहाँ पे, निकल तो नहीं पा रही है। बाकी एक ट्रैक्टर मंगाया मैंने इसको टो करने के लिए, ट्रैक्टर के थ्रू निकलेगी। ज़्यादा गंदी फंस गई है, इस साइड से तो ठीक है लेकिन एक टायर जो हमारा फ्रंट वाला है ये बिल्कुल ही गंदा फंस चुका है और पीछे ये स्लिप आ रही है, इस पर कतई नहीं निकल पा रहा, यहाँ से टिक गया है। ज़्यादा कोशिश करेंगे तो ये और ज़्यादा फंस जाएगी। वैसे तो फंस ही गई है, निकलने वाली है नहीं। यहाँ पे बहुत मेहनत कर ली है मैंने लेकिन निकल नहीं रही है। इन दी एंड ट्रैक्टर मंगाया है, ट्रैक्टर आ रहा है और ट्रैक्टर आके ही इसको निकालेगा। अब गंदी भी हो चुकी है, पूरे टायर से ऊपर तक छीट गई हुई है इस पर, और समय भी ज़्यादा हो रहा है। देखते हैं कितनी देर में निकलेगी गाड़ी। ये ऊपर मत मार। ये ट्रैक्टर वाला ट्रॉली के साथ ही बांध के निकालने की ट्राई कर रहा था लेकिन पीछे का बम्पर डैमेज होने के चांसेस थे इस तरह से, तो इस तरह से मैंने इन्हें मना कर दिया था। इनकी ट्रॉली अलग निकलवाई मैंने। ऐसे चाहिए, निकालने में दिक्कत ना हो रही है। बैठना थोड़ी है, ऐसी निकल जाएगी ना। स्टार्ट मत कर, बस स्टीयरिंग सीधा रखियो। चलो पकड़ी, हैंडल सीधा कर ले बस। ये लो ले, मैं पीछे भी लगा रहा है, पहले लगा था उनको, दो लगा स्टीयरिंग सीधा कर लो तुम। और
ऊपर बांधी और खींचना जी सर। ढाई घंटे की मेहनत से इससे निकली है भाई ने निकाली है ये, उठ के निकली है गाड़ी फाइनली, पूरी की पूरी लबा लेट हुई पड़ी है।